अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है साइमा सपना। आज मैं बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी लेके आई हूँ अल्फ्रेडो पास्ता की। अल्फ्रेडो पास्ता रेस्टोरेंट में तो आपने खाया ही होगा, रेस्टोरेंट में काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है। आज हम कम पैसों में घर पे ही कैसे तैयार करते हैं, चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिए हैं 2 अदद चिकन ब्रेस्ट फिलेट्स, 2 टेबल स्पून योगर्ट, 1 टेबल स्पून ऑयल, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। चले हम अब मैरिनेट करते हैं चिकन को। सबसे पहले हम योगर्ट लेंगे, उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसके बाद ऑयल, सोया सॉस, फूड कलर, ड्राई मसाले डाल देंगे। अब हम इसे मैरिनेट करके रख देंगे, रख आधे दिया था देंगे। उसमें डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। ये मैंने 7 रोल्स लिए थे पास्ता के, वो हम डाल देंगे और बॉईल कर लेंगे। पास्ता हमारा हो गया है, आपने इसे ओवर कुक नहीं करना, थोड़ा सा कच्चा रहने देना, क्योंकि अभी हमने इसे पास्ता हमारा सॉस बॉईल रेडी हो है। गया है। उसके बाद मैं 1/2 कप ठंडा पानी डाल दूंगी, ताकि एक अब दूसरे हम के एक साथ पैन पैन ले लेंगे। उसमें चिकन फिलेट्स जो हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी वो निकाल देंगे और इसे कुक कर लेंगे। इसको आपने लो फ्लेम पे कुक करना है। तो हमारे चिकन फिलेट कुक हो चुके हैं, बहुत टेंडर और जूसी लग रहे हैं। ये हमने उसी ऑयल में कुक किए हैं जो हमने मैरिनेट करते हुए अब डाले हम थे। व्हाइट सॉस बनाएंगे। व्हाइट सॉस में क्या क्या चीजें जाएंगी मैं आपको बताती हूँ। 2 टेबल स्पून ऑयल, 1 टेबल स्पून चॉप गार्लिक, 2 टेबल स्पून ब्लैक ऑलिव, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 2 टेबल स्पून कैप्सिकम, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब, 1 टेट्रापैक क्रीम, 2 अदद चीज स्लाइस और 2 चिकन क्यूब और 1 कप सबसे फ्रेश पहले फिले ऑयल ऑयल डालेंगे, चॉप गार्लिक, थोड़ी देर इसे सौते करेंगे, उसके बाद हम फ्रेश क्रीम डाल देंगे। जब बबल बनना शुरू हो जाए तो उसमें हम डालेंगे दूध। अब इसको हिलाएंगे, अब इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। उसके बाद ब्लैक पेपर पाउडर, चिली फ्लेक्स, मिक्स हर्ब, 2 चिकन क्यूब, अच्छे से हम इसे कुक करेंगे। इसमें हम कैप्सिकम डालेंगे, ब्लैक ऑलिव्स, उसके बाद चीज स्लाइस, अच्छे से कुक करेंगे इसे। 1 पिंच ऑफ सॉल्ट, इसमें हमने चिकन क्यूब भी डाला है, उसमें भी सॉल्ट होता है, तो सिर्फ 1 पिंच डालनी है। ये देखिए कितना रिच और क्रीमी बन रहा है, बहुत मज़े का है, आप भी ट्राई कीजिएगा। थिक हो गया, अब हम इसमें पास्ता डालेंगे और अच्छे से कुक कर लेंगे। तो हमारा अल्फ्रेडो पास्ता रेडी है। इसको ना ही इतना पतला करना है और ना ही इतना थिक कर देना है, ठंडा होने के बाद ये और थिक हो जाएगा। तो मैंने कटिंग बोर्ड ले लिया है, अब मैं चिकन फिलेट्स को काटूंगी। बहुत ही सॉफ्ट तो और इससे जूसी मैं डिश आउट देंगे करूंगी। ये देखिए बहुत ही क्रीमी और रिच बना है, बहुत ही मज़े का है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हमारा अल्फ्रेडो पास्ता रेडी है, आप भी खाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल एवरी बाइट टेस्टी बाइट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी राय का इजहार कमेंट के जरिए ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।